गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ आप लोगों के साथ इस मधुमालती की बेल के साथ। और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि समर में हमारे गार्डन में कोई अच्छे फ्लावर्स नहीं होते हैं और हमारे गार्डन इतना सुंदर नहीं लगता है जितना कि वो विंटर्स में लगता है, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही समर के 6 फ्लावरिंग प्लांट्स लेकर आई हूँ, जिनको कि आप अपने पॉट में लगाइए या गार्डन में लगाइए और वो फ्लावर्स आपके गार्डन में सितंबर अक्टूबर तक रहने वाले हैं और आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। तो इस समर फ्लावर्स की लिस्ट में जो नंबर 6 पे है वो है डॉफ वैरायटी का सनफ्लावर। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटे से पौधे में ही सुंदर सुंदर से फ्लावर आने लगते हैं, काफ़ी बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं और कई नंबर्स में फ्लावर आते हैं। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये हार्डली अभी मैंने 10-15 दिन पहले ही इसको लगाया है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई और इस ये काफ़ी बड़ी फ्लावर्स देते हैं। तो इसकी आपको अगर अपने पॉट में लगाना है और आप उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसकी डॉफ वैरायटी लाइए और उसको ज़रूर से लगाइए। इसके बाद दोस्तों, जो नंबर 5 पे प्लांट आता है वो है हमारा कॉस्मोस का। ये भी एक बहुत ही सुंदर और लो मेंटेनेंस वाला फ्लावर है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है कि आपका गार्डन फूलों से भरा ही रहेगा हमेशा और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नंबर 4 पर, और इस पर जो मैंने लिया है वो है कॉक्सकॉम। इसके भी फूल बहुत ही प्यारे होते हैं और इसमें भी दो डिफरेंट तरह की वैरायटी होती है। एक ही होती है जिसमें कि आपको इस तरह के स्पाइक्स जैसे कई सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं और एक इसकी दूसरी वैरायटी होती है जिसमें कि ये ऐसे बिल्कुल एक सिंगल फ्लावर के फॉर्म में होता है। तो इसमें कई सारे कलर आते हैं इसके अंदर भी और ये भी बहुत सुंदर लगता है। इसको भी अपने गार्डन में लाइए और ऐड कीजिए। नंबर 3 पे आता है दोस्तों एक बहुत ही सुंदर और जिसको कि हम गर्मियों का राजा भी बोल सकते हैं, और ये दोस्तों ये तो मेरे ख्याल से हर किसी के घर में होगा, जिसको कि पोर्चुला का या पासलेन भी कहा जाता है। और इसके सबसे खूबसूरती ये है कि ये बहुत आसानी से ग्रो करता है। आप इसकी कोई भी डाल तोड़कर इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसको चाहे आप अपने पॉट में लगाइए या हैंगिंग बास्केट में लगाइए या गार्डन में नीचे इसको एज अ बेड भी आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनके कलर्स में इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं कि वो देखते ही बनता है। तो इनको लगाना आप बिल्कुल मत भूलिए। और इसकी दो वैरायटी है, एक पोर्चुला का और दूसरी ये पासलेन की। तो इनमें से कोई भी जो भी आपको मिल जाता है, बस आप कहीं से उसकी एक डंडी भी तोड़ के ला के अपने घर में लगा लेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। और आते हैं अब नंबर 2 पे, तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है जिसका कि नाम है विंका या सदाबहार। तो दोस्तों, हाँ, ये फ्लावर इतनी आसानी से आपके गार्डन में हो जाता है कि अब अगर आपने इसको एक बार ला के अपने गार्डन में लगा लिया तो उसके बाद से आपको ये कभी लगाना नहीं पड़ता है। इसके बीज अपने आप ही गिर के इसके नए नए पौधे इतने सारे आते रहते हैं कि ये अपने आप आपके गार्डन में मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसके इतने सुंदर सुंदर कलर आते हैं, शेडेड पिंक, रेड, वाइट और बहुत सारे कलर्स में ये आता है और ये परमानेंट आपके गार्डन में फिर रहता है बहुत दिन तक। इसीलिए इसको हम सदाबहार भी शायद इसीलिए कहते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लाइए इनको भी और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। इसके बाद दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और जो गर्मियों का सबसे सुंदर फूल कहा जाता है, जो जो कि
आपके गार्डन की शोभा में चार चांद लगा देगा वो है दोस्तों जीनिया का पौधा। और इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। इसमें भी दो वैरायटी होती है, एक इसकी डॉर्फ और एक टॉल वैरायटी। तो इसकी डॉर्फ वैरायटी अगर आपको मिले तो वो ज़रूर से ला के लगाइए। इसमें बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं और कई सारे नंबर्स में फूल आते हैं और बहुत ही छोटे पौधे पर ही ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। और इसमें भी अनगिनत कलर आते हैं विद ब्यूटीफुल शेड्स। तो इसको आप लोग लगाना बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये अगर आपके गार्डन में हुआ तो आपके गार्डन की को फूलों से भर देगा। तो दोस्तों होप आपको आज के इस वीडियो से समर्स में हमारे गार्डन को सुंदरता देने वाले फ्लावर्स मिल गए होंगे। तो आप भी लाइए और अपने गार्डन को इन फूलों से सजाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।